सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ TVS की तरफ से आने वाला TVS Ronin 225 सीसी के बारे में। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। दोस्तों गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं हूँ रूपम और आप देख रहे हैं आरके रूपम चैनल। सबसे पहले बात कर रहे थे इस बाइक का और ओवर लाइटिंग फीचर्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपको जो फ्रंट का हेडलाइट है वो आपको रेट्रो मतलब राउंड शेप के साथ देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपको टी शेप सिग्नेचर पोजीशन लैम्प देखने को मिलेगा। इसके साथ इसका जो फ्रंट का लुक है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और इसके साथ ही गाइस बात करें तो इसका बॉडी ग्राफिक्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, नीट एंड क्लीन बॉडी ग्राफिक्स है इसका। इसमें आपको काफ़ी मस्कुलर सा एक टैंक दिया गया है जो कि मेटल का फुल्ली, और दूसरी साइड आप लोग देख सकते होंगे टैंक के दोनों साइड में आपको जो TVS का हॉर्स का एम्ब्लेम आता है वो दोनों साइड दिया गया है। और सीट के नीचे आप लोग देख रहे होंगे, मतलब जहाँ पर टोल बॉक्स होता है उसमें आपको Ronin की बैजिंग देखने को मिलेगा, वो भी 3D के साथ। गाइस अभी बात कर लेते हैं इस बाइक का कलर्स के बारे में। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं, इस बाइक को आप जो बाइक देख रहे हैं ये इसका सबसे बेस्ट वेरिएंट, मतलब TVS Ronin को 3 वेरिएंट में बांटा है। जो अभी जो मॉडल देख रहे हैं इसका बेस वाला मॉडल है, उसके ऊपर एक और मॉडल आता है वो है इसका मिड वाला वेरिएंट, और उसके ऊपर आते हैं आपको टॉप वाला वेरिएंट। तो प्रॉपर जो कलर है इस बाइक का वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बेस का क्या कलर आता है। जगह इस बेस वाला वेरिएंट में आपका आ जाता है मैग्मा रेड और लाइट रिंग ब्लैक। जी गाइस अभी जो आप कलर देख रहे हैं इसका मैग्मा रेड कलर है। उसके बाद ही आता है मिड वाला वेरिएंट। मिड वाला वेरिएंट में आपको आता है डेल्टा ब्लू और एक ब्लैक कलर, और टॉप वाला मॉडल में आपको आता है गैलेक्टिक ग्रे और डाउन ऑरेंज। तो यही सब इसका कलर है। साथ ही गाइस अभी बात कर रहे थे इस बाइक का टैंक कैपेसिटी के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसका जो टैंक है वो आपको मिलता है 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आप लोग गाइस देख सकते होंगे, इसका अगर नीचे की पोर्शन की अगर हम बात करें, मतलब इंजन के साइड की अगर हम बात करें, तो आप लोग देख रहे हो ब्लैक कलर फेबर टाइप का आपको इंजन नज़र में आएगा। इंजन के ऊपर आपको थोड़ा डिज़ाइन भी नज़र में आएगा जो कि क्रोम कलर के साथ आता है। इससे इसका जो इंजन का जो लुक है, मतलब इंजन का पोर्शन का जो ग्राफिक्स है वो भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपको TVS लिखा हुआ मिलेगा ब्लैक कलर के इंजन के साथ, ऊपर में आपको एक सिल्वर कलर की TVS लिखा हुआ मिलेगा। इससे जो लुकिंग है बाइक का और भी ज़्यादा मस्कुलर टाइप का हो जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसका इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 126 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल F5 4 स्ट्रोक BS6 कॉम्प्लाइन इंजन इस बाइक में आपको मिल जाता है। उसके साथ ही इस इंजन में आपको 20 BH @ 7,700 RPM के साथ पावर मिलता है। टॉर्क आपको मिल जाते हैं 19.93 न्यूटन मीटर @ 3,750 RPM की टॉर्क। और ओवरऑल बाइक का कार्ब वेट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 159 किलोग्राम की वेट इस बाइक में आपको मिल जाता है। और गाइस इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, वही सेम जो 1 डाउन और 4 अप गियर सिस्टम है वो भी इस बाइक में मिल जाता है, मतलब 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया। इसमें थोड़ा सा मुझको कमियां लगा इस बाइक में, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही है। और गाइस और एक बात अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है इसका माइलेज। जी हाँ गाइस, जो मेरे मुँह से आप लोग सुनना चाहते हैं वो है माइलेज। गाइस इस बाइक में आपको 30 से लेकर 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये बाइक आपको इजीली से दे देगा। अभी बात करें इसका टॉप स्पीड के बारे में, तो गाइस मैंने तो ये बाइक अभी तक टेस्ट राइड नहीं करा, लेकिन कंपनी जो क्लेम कर रही है इसमें आपको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये बाइक आपको इजीली से उठा देगा। बात करें ABS के बारे में, तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS आता है जो टॉप वाला मॉडल है उसमें, लेकिन अभी आप जो मॉडल देख रहे हैं इसका बेस वाला मॉडल, तो इसलिए इसमें आपको सिंगल चैनल ही ABS देखने को मिलेगा। उसके साथ ही इसमें आपको एसिस्ट एंड स्लीपर क्लच दिया गया जो मुझको बहुत ही बढ़िया लगा इस बाइक में। ओवरऑल बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको अच्छे खासा मतलब 181 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो व्हील बेस है वो है 1357 mm की व्हील बेस। तो ये तो गया इसका व्हील बेस। अभी आप लोग देख रहे होंगे इसका सीटिंग पोर्शन। जी हाँ गाइस, आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको बहुत ही कंफर्ट टाइप का सीट दिया गया है और पीछे में आपको एक रॉड टाइप का, मतलब ब्लैक कलर के साथ रॉड टाइप का ग्रैब रेल मिल जाता है, जो कि इस ग्रैब रेल की वजह से इस बाइक का जो लुक है और भी ज़्यादा रेट्रो टाइप की तरफ चल जाता है। और गाइस इसमें आपको 795 mm की सीट हाइट मिल जाता है, मतलब जो 5.5 का जिसका हाइट होता है वो भी इस बाइक को इजीली बैठ सकता है। और गाइस आप लोग देख रहे होंगे इस बाइक में आपको जो इंडिकेटर है वो यूनिक टाइप का दिया गया है, मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसे इंडिकेटर। काफ़ी हद तक से बहुत बढ़िया भी लग रहा है और चारों तरफ आपको जो 4 इंडिकेटर दिया है इसमें आपको हैजार्ड की सिस्टम भी दिया गया है और चारों इंडिकेटर आपको येलो LED कलर के साथ ही देखने को मिलेगा। और मुझे जो इस बाइक में सबसे बढ़िया लगा वो है इसका बैकलाइट। जी हाँ गाइस, जो इसका बैकलाइट दिया गया है काफ़ी बढ़िया, मतलब एक पीछे से अगर इस बाइक को आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक से बढ़िया लुक प्रोवाइड कर देता है। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है इसका बाइक का पीछे से देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है ये बाइक, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ एक इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है उस बाइक में वह इसका मीटर कंसोल। जैसे हम लोग देख रहे होंगे काफ़ी यूनिक टाइप का जगह पे इसका मीटर कंसोल दिया गया है। मैंने तो पहले कुछ और भी समझा था, लेकिन बाद में देखने के बाद मालूम चला ये मीटर है और ये काफ़ी यूनिक टाइप का दिया गया है। और आप लोग देख रहे होंगे एक राउंड शेप के साथ आपको मीटर कंसोल मिल जाता है। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल इस बाइक में आपको मिल जाता है। तो इस मीटर कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, टेगोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर सब कुछ डिजिटल देखने को मिलेगा। साथ ही फ्यूल कार्ड, गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर यह भी आपको इस बाइक में मिल जाता है। और साथ ही साथ गाइस TVS ने इस बाइक में आपको 2 मोड भी दिया गया है, एक इसका अर्बन मोड और दूसरा इसका रेन मोड। ओवरऑल सब लेकर आपको एक बढ़िया सा पैकेज भी देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। अभी बात करें गाइस इसका स्विचिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका हैंडल बार बहुत ही बढ़िया है, मतलब आपको झुक के गाड़ी नहीं चलाना पड़ेगा, स्ट्रेटली आप बैठ पाएंगे। अगर बात करें इसका स्विचिंग सिस्टम के बारे में तो लेफ्ट साइड के हैंडल के ऊपर आपको मिल जाता है एक येलो कलर की पासिंग लाइट की स्विच और ठीक उसके ऊपर में आपको मिल जाता है एक अपर डिपर की स्विच और ठीक उसके नीचे आपको मिल जाते है एक इंडिकेटर की स्विच और उसके नीचे आपको मिल जाता है काफ़ी एक स्विच सा हॉर्न का स्विच। अभी राइट साइड के हैंडल की अगर हम बात करें गाइस, आपको राइट साइड के हैंडल में मिल जाता है एक रेड कलर की इंजन किल स्विच और ठीक उसके नीचे साइड में आपको राउंड एक मोड बटन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइस उसके नीचे आपको एक हजार्ड के स्विच मिल जाते हैं, सबसे लास्ट में आपको मिल जाते हैं एक सेल्फ की बटन। साथ ही साथ गाइस अभी बात कर लेते हैं इस बाइक का टायर के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है। साथ ही साथ गाइस बात कर लेते हैं इसका व्हील्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे गाइस इसका जो व्हील्स है काफ़ी, मतलब 9 स्पोक की व्हील्स दिया गया है, अलॉय व्हील्स, और देखने में भी बहुत ही, मतलब जो रॉयल एनफील्ड की बाइक में आप लोग देख रहे होंगे, जो रॉयल एनफील्ड बाइक में जो अलॉय व्हील आते हैं कुछ उस टाइप का आपको नजर में आएगा इसको देखने के बाद। साथ ही साथ गाइस आप लोग देख रहे होंगे इसका चेन स्पॉकेट, मतलब जो चेन है चेन भी आपको एक यूनिक टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 110 या 125 सीसी का बाइक आता है उसमें आपको चेन कवर देखने को मिलेगा, लेकिन ये बाइक 225 सीसी होने के बावजूद इसमें आपको एक चेन कवर भी देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एक, मतलब सेफ्टी का फीचर से। और एक बात मैं बताना चाहूँगा गाइस, इस बाइक का जो फ्रंट का मार्कर और पीछे का मार्कर है सब आपको मेटल में दिया गया है, सब आपको मेटल में देखने को मिलेगा। इस बार TVS ने बहुत ही बढ़िया एक काम करा है और मार्केट की जो फॉन्ट का मार्केट है उसमें आपको आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक कलर के साथ एक सिल्वर कलर की टाच भी दिया गया है, जिससे फॉन्ट का लुक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और गाइस बात करें तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, इसमें आपको फॉन्ट की तरफ 300 mm की डिस्क साइज मिल जाता है और रियर के टायर की तरफ आपको 240 mm की डिस्क साइज मिल जाता है। वैसा भी बात करें तो इस बाइक का टायर के बारे में आप लोग देख रहे होंगे गाइस इसमें जो टायर यूज़ करें काफ़ी हद तक से, मतलब जो ऑफ रोडिंग बाइक में जो टायर यूज़ करते हैं वो कुछ उस टाइप का टायर देखने को मिलेगा। इसमें आपको फॉन्ट में मिल जाता है 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको मिल जाता है 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। मतलब दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है। उसके साथ ही और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें इस बाइक में, वो है इसका सस्पेंशन। गाइस इस बाइक में आपको फ्रंट की तरफ 41DI अपसाइड डाउन फॉक मतलब USD सस्पेंशन दिया गया है जो आप देख रहे होंगे। और इसमें आपको सिर्फ बेस वाला वेरिएंट में इसका जो सस्पेंशन है वो ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा फ्रंट का। और अगर आप मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट ले लें तो इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो USD रहेगा, लेकिन इसका जो कलर है वो गोल्डन कलर के साथ आ जाता है। मतलब वो भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप गोल्डन कलर के साथ लेना चाहते हैं तो आपको टॉप या मिड वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। और गाइस अभी रियर के सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रियर में आ जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल है। तो अपने हिसाब से आप इसका जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो एडजस्ट कर पाएंगे। तो सस्पेंशन के मामले इस बार TVS ने बहुत ही बढ़िया से काम करा है। गाइस ओवरऑल आपको कैसा लगा ये बाइक बताना कमेंट करके। तो गाइस लास्ट और फाइनली बात कर लेते हैं इस बाइक का प्राइस के बारे में। तो ये बाइक आपको 3 वेरिएंट में अवेलेबल देखने को मिल जाता है। और जो इसका बेस वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है 1,80,835 रुपीज़ और जो इसका मिड वाला वेरिएंट है उसका प्राइस आपको मिल जाता है 1,89,273 रुपीज़ और जो इसका टॉप वाला वेरिएंट है उसका प्राइस आपको मिल जाता है 2,03,056 रुपीज़। और गाइस अभी जो मैं प्राइस बताया वो इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता प्राइस है। और अगर आप जानना चाहते हैं आपका उधर क्या है प्राइस तो आपको विजिट करना पड़ेगा आपका नियर बाय TVS शोरूम में। तो गाइस यही था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन TVS Ronin 225cc के बारे में। और आप बताना कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन का वीडियो था इसका। और अगर आप चाहते हैं इसका राइट रिव्यू वीडियो करना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका Ronin का एक राइडिंग वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।